लेकिन भाषा आंदोलन से पहले झारखंड, जैसा कि सभी जानते हैं, दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में एक भाषाई आंदोलन छिड़ा था। धनबाद बोकारो में भोजपुरी मगही भाषाओं को अंगीकृत किया गया था। उसके विरोध में एक बहुत बड़ा जनसैलाब सड़कों पर था और फरवरी फरवरी के महीने गवर्नमेंट ने इसे वापस भी किया था। लेकिन भाषा आंदोलन से पहले आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे स्वयं कहे हुए पाए गए थे। क्या कह रहे थे कि भोजपुरी मगही इत्यादि इत्यादि ये पड़ोसी राज्य की भाषाएं हैं और ये झारखंड की बोरो लैंग्वेजेज हैं, और अगर ये लैंग्वेज यहाँ स्थापित होंगी तो स्पष्ट है यहाँ के अस्तित्व पर संकट आएगा। यहाँ के लोगों का जो बसबसाव जो झारखंड में करते हैं, जो झारखंडी हैं, अगर अन्य भाषाओं को यहाँ थोपा जाएगा तो निश्चय ही उनके व्यवहार में और आने वाले दिनों उनके भविष्य की जो पहचान है उस पर संकट आएगा। बड़ी सुंदर कहा था मुख्यमंत्री ने, सबने सराहा कि नहीं चलिए मुख्यमंत्री हेमंत है तो हिम्मत है। एक हिम्मत वाला मुख्यमंत्री आया जो मैंने पब्लिकली इस बात को कह रहा है और जो सच्चाई है कि ये बोरो लैंग्वेज हैं। लेकिन अचानक उनका सुर बदलता है। सुर क्या बदलता है, जिन लैंग्वेज का वो 2 महीना पहले मैंने पब्लिक प्लेस में बोरो लैंग्वेज करार दे रहे थे, अचानक उनसे प्रेम हो जाता है और धनबाद बोकारो में वे लागू करते हैं। विरोध होता है, आंदोलन होता है और फाइनली वे स्वयं वापस करते हैं, लेकिन आज तक उनका बाहरीकरण के प्रति प्रेम मिटा नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है ये तो मुख्यमंत्री जानते हैं और उनके पीछे जो लोग जुड़े हैं, जो उनके साये के साथ चलते हैं, वे अच्छा बता सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री से वे बार बार कहते हैं, क्योंकि जब वे फंस जाते हैं, जब उन पर आरोप लगता है, जब वह नाकामयाब होते हैं, तब उन अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि हम तो आंदोलनकारी का पुत्र हैं, तो गरीब आदिवासी हैं, माने अपने आप को सेंटिमेंट में ढाल देते हैं। तो उनसे यही सवाल है कि झारखंड राज्य क्यों बना, किसके लिए बना? दो ही सवाल, क्यों बना था झारखंड राज्य और किन लोगों के लिए बना था झारखंड राज्य। यह सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि 15 नवंबर को सहायक अभियंता की नियुक्ति दी जाती है। 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती, उसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस, और उसी दिन एक नियुक्ति आती है सहायक अभियंता। अभियंता यानी इंजीनियर, क्योंकि आजकल थोड़ा सा जो नए लड़के हैं संभव है अभियंता की जगह इंजीनियर को ही समझना पसंद करेंगे। तो इंजीनियर सहायक यानी कह सकते हैं जो हेल्पिंग। तो इंजीनियर की जो बहाली आई जिसमें 36 यानी 36% बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाती है, 36% याद रखिएगा। यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी के कैंडिडेट्स को यहाँ जॉब दिया जाता है। तो इसीलिए सवाल बनता है मुख्यमंत्री से ही, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज श्रेय लेने के लिए बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़ा बड़ा बैनर लगा के बैठे हैं अपना फोटो के साथ। तो उनसे प्रश्न ये बनता है, आप आंदोलनकारी के पुत्र हैं, सही बात है, ये सच्चाई है, किंतु ये राज्य क्यों बना है? अगर ये राज्य झारखंड वासियों के लिए बना है तो 36% बाहरी लोग नौकरी में कैसे आ गए? याद रखिएगा, रघुवर दास को इन्हीं कारणों के कारण जनता ने उखाड़ कर फेंका था। इसीलिए अब ये मत आप कहिएगा कि मैंने हम आदिवासी का पुत्र है या गुरु जी का पुत्र है, मैंने सेंटिमेंट मत खेलिएगा, सवाल का उत्तर दीजिए जनता के सामने आके। इन बहालियों बाहरी लोग क्यों आए और कैसे आए? जल जमीन जंगल की स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा एक्वायर कर रही है, पंचायत का पानी बीएसएल एक्वायर कर रही है, पूर्व में क्या था, मतलब नहीं, आपकी सरकार ने रोका क्यों नहीं? अब देखिए, बहाली अब दूसरे राज्य को दे रहे हैं, 10th और 12th का नियम अभी भी लागू है, यानी जो वैकेंसी लेकर आएगा वो 30-35 साल तक झारखंड में फिर जॉब करेगा, फिर एक नियम आएगा कि जो यहाँ से जॉब करता है वो झारखंडी। तो इस तरह आने वाले दिन में पूरा झारखंड माने अतिक्रमण से भर जाएगा, अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों से पूरा झारखंड भर जाएगा। और झारखंड के जो मूल लोग रहेंगे, चाहे किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी समाज के रहें, उनके सामने पलायन, विस्थापन, जंगल से लकड़ियां चुनना, कोयला चोरी करना, बालू चोरी करना, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आप इसे किस एंगल से सोचते हैं आपका विषय है, लेकिन आप जो बाहरी के लोग यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं, पहला बात तो ईमानदार नहीं है, आप देख सकते हैं। एक मैंने किरानी से लेकर कलेक्टर तक की बात करें तो सब पैसे लेकर आते हैं, ब्लॉक लेवल में इतना भ्रष्टाचार बैठा है, क्यों? मैक्सिमम बाहरी लोग हैं। तो चाची ब्लॉक की हम बात करते हैं, सब बाहरी लोग यहाँ केवल और केवल पैसा कमाने के उद्देश्य आते हैं, इसलिए नौकरी में उनको रोकना होगा। झारखंडी खुल के काम नहीं कर पाता है क्योंकि वो पोस्टेड रही है, उससे ऊपर में बाहर के लोग पोस्टेड हैं।